ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम करेंगे 10 जुलाई की शुभदान की रिकॉर्डिंग, जहाँ परमपिता परमात्मा हमारे अंदर आशावादी, या कहें कि निराशावादी से आशावादी बनने के लिए उत्साह कैसे भरना है वो समझा रहे हैं और क्यों जरूरी है वो। तो परमात्मा वरदान में कहते हैं, सदा उत्साह में रहे। निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी बाबा, जिसके अंदर में धन की निराशा है, जिसके पास में तन की निराशा है, जिसके पास में मन और उसके भावनाओं की निराशा है, जिसके पास में संबंधों में निराशा है, जिसके जीवन में स्पिरिचुअल निराशा है, मतलब अध्यात्म में निराशा है, परमात्मा से उसका जोड़ टूट चुका है, उसके अंदर भी आशा भरना। तो ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले, उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती। वो स्वयं कभी निराश नहीं होते, ना किसी और को निराश होने देते, हमेशा किसी न किसी तरीके से सोल्यूशन निकाल लेते हैं, किसी न किसी तरीके से उनको हमेशा अच्छाई दिखती है बुराई में भी, इसलिए वो कभी निराश नहीं रहते हैं। उनको पता है कि कारण क्यों आया है, उनको पता है कि ये आगे बढ़ाने के लिए ये टेस्ट आया है, ताकि मेरे अंदर की जो कमी कमजोरी वो हट जाए। और जो निराश आत्मा हो जाती है, जो कि और को ब्लेम करना शुरू कर देती हैं, या स्वयं को ब्लेम करना शुरू करती हैं, भगवान को ब्लेम करना शुरू करती हैं, और ही निराश हो जाती हैं, वो आत्मा ऐसे कंप्लेन करते हुए ब्लेम करते हुए उनको भी आशा देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना, यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। तो अगर श्वासें नॉर्मल चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, तो तंदुरुस्त हैं। उसी तरीके से उमंग उत्साह है तो जीवन आपका अच्छा चल रहा है, खुशहाल चल रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं क्यों, क्या, कैसे है, क्वेश्चंस हैं, और आप बाहर से आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस उतना ही जी रहे हैं, तो वो जीना जीना नहीं हुआ, अंदर से निराश हैं आप। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह निराशा नहीं। तो ब्राह्मण जीवन मतलब उत्साह का जीवन है, ब्राह्मण जीवन मतलब कि स्पिरिचुअल जीवन है, ब्राह्मण जीवन मतलब कि एडम को फॉलो करने वाला जीवन है। एडम तो स्वर्ग में थे, तो अपना जीवन भी स्वर्ग जैसा होना चाहिए, दुनियावी तरीके से नहीं, लेकिन सोच के तरीके से। तो परमात्मा कहते हैं कि ये आप सब कुछ सीख सकते हैं जब आप आध्यात्म या स्पिरिचुअल ज्ञान लेते हैं और अपने आप को आत्मा समझ करके मुझे याद करते हैं, तो ये सब कुछ आपके अंदर भरता जाता है। आप ये चीज़ सीख सकते हैं ब्रह्म कुमारी में जाकर के। इसी के साथ ओम शांति।